Yes, I did it. देना क्या रोज? रोज नहीं, रेड रोज। अब भी देता हूँ मैडम, एकदम फ्रेश रोज। There should be no tragic use in, you know, तू बहुत सुंदर है यार, just like a doll. I love you यार. ये love you बाद में कर, पहले थोड़ा प्यार अपने पढ़ाई से भी कर ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगली क्लास में चली जाऊं और तू यही रह जाए. देखा, ये बेल भी कह रही है कि प्यार करो और तुम ओके सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई. अच्छा सुन, कुछ कहना है तुझसे. हाँ हाँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, मैं तो कब से रुका ही था तेरा आई लव यू सुनने के लिए. नहीं सुन तो सही. अच्छा बता. दिव्या, सुनीता मैम तुझे बुला रही है, आई थिंक रिगार्डिंग द एनुअल डे स्पीच. अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं चली. अरे अरे सुन तो सही, तू कुछ बोल रही थी. शिट, इस सुनीता मैम को भी अभी बुलाना था. अरे उत्कर्ष, मेरी आंखें क्यों बंद है और कहाँ ले जा रहा है मुझे? यार मुझे बहुत डर लग रहा है और ठंड भी. अरे उत्कर्ष कुछ बोलो तो सही. एक मिनट बाबा, अभी खोलता हूँ. क्या हुआ? प्यार. मतलब? मतलब पागल, आज तेरा बर्थडे और तू रो रही है. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday dear Divya, happy birthday to you. Hey! Oh, Divya, birthday! I love you. क्या हम हीरांझा की अधूरी कहानी पूरी कर सकते हैं?
सिर्फ हीर रांझा की नहीं बल्कि लैला मजनू की भी। तेरी विश थी ना कि उत्कर्ष तुझे तेरे बर्थडे के दिन प्रपोज करे। देखो तो सही कितनी शर्मा रही है। चलो गाइस, लेट देम स्पेंड टाइम टुगेदर। हम कबाब में हड्डी ना बने तो ही अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है राज, हम सब साथ में ही एंजॉय करेंगे। हाँ यार, बेसाले मन ही मन गालियाँ दे रहा होगा। चल जी ले अपनी जिंदगी। सुनो तो कुछ कहना है। बताना, उस दिन भी तू कुछ बताना चाहती थी। सॉरी। आओ इधर आओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तू कुछ बताना चाहती थी दिव्या। हाँ तो तुम कुछ बताना चाहती थी राइट। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या तो मैं कह रही थी कि लेट्स प्ले अ गेम। गेम कौन सी? ओके टेल मी यू लव मी राइट। ये क्या सवाल हुआ? बताओ ना। यस बाबा ऑब्वियसली आई डू लव यू। हाँ ना कितना? हाँ 10th स्टैंडर्ड में ततारा ने वामिरो से किया था ना, उससे भी ज्यादा। तो क्या मेरी एक चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? चैलेंज कौन सी? पहले बोल करेगा। ओके करूंगा। प्रॉमिस? पहले चैलेंज क्या है वो तो बोल। नहीं प्रॉमिस। ओके बाबा प्रॉमिस, अब बोल तो सही। ओके बताती हूँ, लिसन।
यू हैव टू स्टे विदाउट टॉकिंग टू मी फॉर वन फुल डे. क्या ये कैसी चैलेंज है यार? नो, मैं ऐसी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा. सी, तूने प्रॉमिस किया था. नो मीन्स नो. प्लीज. नो नेवर. मेरी बात नहीं सुनेगा? जहर खा लो बोलोगी तो खा लूंगा, पर तेरे से बात करे बिना मेरी हवा में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ये अपने प्यार की अग्नि परीक्षा है ऐसा समझ. बट प्लीज. ओके, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं तेरी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ सिर्फ तेरे लिए. पर मैं भी तुझसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ. क्या? कि तू आज के बाद मुझे ऐसी चैलेंज बिल्कुल भी नहीं दोगी. ओके बाबा, प्रॉमिस. अब घर चले. चलो. क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? अभी तो थी, कहाँ गुम हो गई? हाँ पर क्या? वो तुम्हारी, वो, हाँ मिल गई, तेरी स्माइल. बेटा हंस ले भी कभी, अच्छे दिखते हो. अच्छा चले. हाँ चलो. हेलो, क्या हुआ? अभी तो मिले थे ना, तो ओके आता हूँ. अरे क्या हुआ? कुछ नहीं. ओके सुनो, तो कल जब आओगे ना तो आकर हग मी और मेरी हाथ की उंगलियां खोलकर होल्ड माय हैंड टाइट. अच्छा तो अब मैं चलूं? हाँ बाबा चलो. घुप अंधेरा कमरा, पीछे शोर सुनाई दे रहा है और फिर आवाज सुनाई देती है. मैं तेरे सिवा नहीं रह सकता, प्लीज कॉल मी.
कैमरा ठहरता है, एक क्लासरूम का सीन है। मेरी शशि भाग दौड़ बनी रहे कि दिन थोड़ा सा। Oh, is it this one? He's going to finish this off quickly. Have a look at that shot. Oh, this is great batting. Wonderful cricket entertainment. It's going to be, well, I don't think anywhere in the world people can love a game more than they love it here. There's a bit of frustration, but you're right. The batsmen get pinged for it. The bowlers don't seem to. Oh, this is high. What a six. What a six. Way down the ground. It's on the roof. Yes, I did it. बात को नहीं भूला है। उत्कर्ष छोड़ना यार, अब भूल जा उस बात को। भाई अब तो 4 साल हो गए उस बात को। जो होना था सो हो गया, अब रोकर क्या फायदा। हम है ना तुम्हारे साथ, भूल जाओ उस बात को। हमें हमारा पुराना उत्कर्ष वापस चाहिए यार। तू जस्ट आगे बढ़ के तो देख, खुशियाँ तेरा इंतजार कर रही है मेरे दोस्त। उत्कर्ष तू हमें इग्नोर कर रहा है। तू सुन रहा है ना? See, listen. You are a patient of lymphosarcoma of intestine, which means intestinal cancer. Yes, doctor. मुझे पता है. Any new updates? Don't be scared, doctor. जो कुछ है वो openly बताओ. I know. मैं सिर्फ थोड़े दिनों की मेहमान हूँ. I'm sorry, but तुम कुछ नहीं. बस एक. हाँ बोलिए. I can just say, enjoy the last year of your life. पापा, नहीं पापा। पापा क्या कर रहे हो आप? उत्कर्ष को फोन लगा रहा हूँ। नहीं पापा नहीं, उससे संभाला नहीं जाएगा। आओगे ना तो आकर हग मी और मेरी हाथ की उंगलियां खोलकर होल्ड माय हैंड टाइट।
Yes, you did it, Utkarsh. Now continue to do it for the rest of your life. I love you forever. Aur haan, I have kept your promise. I won't give such challenges anymore. पर मैं भी तुझसे एक प्रॉमिस चाहता। क्या? कि तू आज के बाद मुझे ऐसे चैलेंज बिल्कुल भी नहीं दोगी। छोड़कर तू चली गई क्यों? यू नो था तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं, और तू ये भी जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, सबसे ज्यादा, मरे हुए मां से भी ज्यादा। यार मुझे तेरे पास ले जाना, आई डोंट वॉन्ट टू लिव, आई डोंट वॉन्ट टू लिव। आज तेरा बर्थडे है, 4 साल की उस चैलेंज की वजह से आज मैं तुझे हैप्पी बर्थडे भी विश नहीं कर पा रहा हूं। प्लीज प्लीज टेक मी, प्लीज प्लीज। उत्कर्ष, दिव्या, तुम यहां? हाँ, आज मैं आई हूं सिर्फ तुम्हारे लिए।
आई थॉट यू वुड रिस्पेक्ट माई वर्ड्स. हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया दैट आई एम ऑन माई लास्ट स्टेज ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू लिव लिव हैप्पी हैप्पी. और तेरे बिना? हाँ, शायद भगवान ने हमें कम वक्त का प्यार महसूस करवाया, बहुत कम, पर उससे भी ज़्यादा यादें बनाई. मेमोरीज, मेमोरीज विच विल बी देयर फॉर लाइफ. सो आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट मी. मूव ऑन, जियो हमारी यादों के साथ, जियो हमारी यादों की वजह से मरो मत. सुनोगे ना मेरा एक आखिरी बार? इट्स माई लास्ट विश, प्लीज़, सिर्फ मेरे लिए प्लीज. हाँ, थैंक यू. और अब से स्माइल ओके प्लीज. उत्कर्ष, तू हमें इग्नोर कर रहा है. तू सुन रहा है ना? मैं सब सुन रहा हूँ, सिर्फ आज का दिन मुझे अकेला जीने दो. कल से जो उत्कर्ष तुम लोग देखना चाहते हो वो तुम लोगों को दिखाई देगा. हाँ यार, आई एम मिसिंग यू, बहुत मिस करता हूँ तुझे. तो पता है ना, तेरे सिवा एक पल भी कटना कितना मुश्किल सा हो गया है. पर अब मैं अपने आप को बदलूँगा सिर्फ तेरे लिए. आज मैं आखिरी बार रहूंगा. शायद ये मेरी जिंदगी के आखिरी आंसू होंगे. यार, मुझे कुछ कहना है तुझसे. I love you. जब से तुम गए